उज्जैन में मंत्री मोहन यादव ने महिलाओं के साथ बैठकर देखा मन की बात कार्यक्रम। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 37 विष्णुपुरा में रविवार को 11 बजे उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने महिलाओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, साथ ही मास्क भी पहना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देश भर में लोगों ने देखा। उज्जैन में भी वार्ड क्रमांक 37 में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। यहां पर महिलाओं के साथ बैठकर मोहन यादव ने मन की बात कार्यक्रम देखा। मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर काफी सजग दिखाई दिए। उन्होंने लोगों को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात की है, साथ ही वैक्सीन को लेकर मन से डर निकालने के बारे में भी बताया है। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की है। हर महीने जो करते हैं, महीने के आखिरी रविवार के दिन, ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और अब खासकर कोरोना के इस दौर में, जब सेकेंड लहर के बाद तीसरी लहर की संभावना है, ऐसे में एकमात्र बचाव का उपयोगी कोरोना में टीकाकरण है। हम सब उनके उस बात को सुनने के, समझने के लिए आज बहनों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, क्योंकि इन सब ने यह योजना बनाई है। मुझे इस बात का संतोष है, जिस प्रकार से ये योजना बनी है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री की बात को लोग दिल में लेते भी हैं और इसको सार्थक करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से हमारी और भी बाकी योजनाओं पर भी लोग गौर करेंगे, और ख़ास करके भारत के साथ सभी भाई बहन अपने देश के सबसे बड़े नेता और मुखिया की बात समझ करके हम अपने परिवार में अपनाएंगे।